बहुत से लोग कहते हैं कि आप इंडिया के साथ कंपेयर क्यों करते हैं। भाई इसलिए कंपेयर करते हैं कि पाकिस्तान को इंडिया की अपनी नाकामी के ऊपर शायद हमें इतना एहसास ना होता हो, लेकिन जब इंडिया की कामयाबी मिलती है तो फिर हमें बड़ा दुख होता है यार हम कहां पे खड़े हैं। ओलंपिक में भारत के मेडल के सफर की शुरुआत हो गई है। ओलंपिक्स में भारत ने एक भारत की खातून है लड़की मानो बाकर बाकर के नाम से उन्होंने फर्स्ट मेडल जीता है ओलंपिक्स में, ब्रॉन्ज मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में। महिला निशानेबाज मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मनु भाकर को मेडल जीतने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। नाम रोशन कर दिया इस मनु ने, आपको कल ही कहा था कि ये मेडल लाएगी तो इंडिया के लिए पहला मेडल, हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड इन द वुमेन्स। और हम मजाक करते हैं कि ये चाय बेचने वाला जो है वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बने। मेडल जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मनु भाकर से फोन पर बात भी की है। मनु नमस्ते, अभिनंदन आपको, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत मजा से, आप तो ये तुम्हारी सफलता की खबर सुनने के बाद उत्साह और आनंद में हूँ। जी आप उसकी सोच देखें, खेलो इंडिया के नाम से स्लोगन दिया उन्होंने, 900 करोड़ बजट रखा उन्होंने, खेलो इंडिया पाकिस्तान का कितने 30 अरब रुपए, पाकिस्तान का टोटल बजट का 0.03% बनता है। मैं तो हैरान हूं कि पाकिस्तान ने सिर्फ 7 बंदे भेजे, जस्ट 7, इंडिया के 117 एथलीट्स हैं, 117। आपको पता 92 में 93 94 में हमने लास्ट ओलंपिक जीती है, गोल्ड मेडल जीता था 92 में जी। 7 लोग हमें सिर्फ इस काबिल मिले कि जिनको हम वहां भेज सके, जो कुछ कर सके, जो मुल्क के लिए खेल सके, नाम रोशन कर सके। मैं तो कहता हूँ ओलंपिक में गेम डाले, मॉब लिंचिंग, कुफर के फतवे, 45-47 बजे, समझ रहे ना मेरी। बहुत से लोग कहते हैं कि आप इंडिया के साथ कंपेयर क्यों करते हैं। भाई इसलिए कंपेयर करते हैं कि पाकिस्तान को इंडिया की अपनी नाकामी के ऊपर शायद हमें इतना एहसास ना होता हो, लेकिन जब इंडिया की कामयाबी मिलती है तो फिर हमें बड़ा दुख होता है यार हम कहां पे खड़े हैं। मुझे याद है पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2024 अभी T20 वर्ल्ड कप में पहले बाहर हुआ, थोड़ा शोर मचा, फिर ठंड पाएगी, लेकिन जब इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बना फिर शोर उठा कि हम कहां पे खड़े हैं। तो ये आप इसको राइवलरी जलन कह लें या जो मर्जी समझ लें, ये है, हम जो मर्जी कर रहे हैं हमारा कंपैरिजन उधर के साथ कर लेते हैं, हमारे जो आम लोग हैं, जो कि अब बनता ही नहीं है, वो बात बहुत दूरी की पहुंच चुकी है। आज भी पाकिस्तान अगर ओलंपिक के अंदर तैयारी करना शुरू करे, आज भी अगर तैयारी करना शुरू करे, तो पाकिस्तान को 10-15 बरस लग जाएंगे क्वालिफिकेशन में, या शायद कहीं ब्रॉन्ज या दूसरे मेडल्स में। अब तक पाकिस्तान हिस्ट्री में सिर्फ 10 मेडल जीता है, गोल्ड नहीं कह रहा, टोटल मेडल 10 जीता है, जिसमें से 8 मेडल हॉकी में से हैं, अंदाजा कर ले। आपको पता 92 में 93 94 में हमने लास्ट ओलंपिक जीती है, गोल्ड मेडल जीता था 92 में वर्ल्ड कप के बाद, तो उसके बाद आप देख लेते 30 साल 30 ईयर्स हो गए, कोई नहीं जी सके। वो जो कोई लेफ्टिनेंट जनरल आरिफ, वो ओलंपिक कमेटी के चेयरमैन है 2004 से, ठीक है, अब वो चेंज हो गए, वो 20 साल तक उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी है, ठीक हो गया। इंडिया की हम मिसाल ले लें, इंडिया की हॉकी क्रिकेट कहाँ से कहाँ चली गई है, वहाँ पे सिफारिश नहीं है। ये मैं सुन रहा था, वो जो सिराज लड़का है, दूसरा जो सिराज है उसका बाप रिक्शा चलाता है, माँ घरों में काम करती है, ठीक है, वो बता रहा था, मैं ये फेसबुक पे देख रहा हूँ, यूट्यूब पे, तो उनकी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है 33, पता नहीं वो कह रहे थे सिटीज़ हैं, जब पाकिस्तान में फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, तो वो उनका क्राइटेरिया देख लें, उनकी सिलेक्शन फिटनेस, एक हमारे मुल्क की आप हालत देख लें, हम हार देखते हैं, अगले 4 साल में वर्ल्ड कप जीतेंगे सर, अगला अब ये ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं किया ना, यही कहेंगे हम अगले साल 4 साल की तैयारी करेंगे। हमारी कौमी गेम हॉकी ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं करी, पहली शर्मिंदगी तो ये, जिस तरह से हमारे क्रिकेटर्स के हालात हैं, जिस तरह से हमारे ओलंपिक्स में एथलीट्स के हालात हैं, हमें तो लगता है हम 129 साल तक मेडल नहीं जीत सकते। नहीं नहीं, ये तकीर याद है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, वो इंटरव्यू में देखा, उसने कहा था कि अगले 50 साल कोई ओलंपिक का गोल्ड मेडल नहीं जीत सकते, कहते हैं क्रिकेट में चांस है, पैसा है, लेकिन वो भी मुझे नहीं लगता आप जीत सकते। हम तो ये कहते हैं अगले पीछे रह गए आपको, हम तो बस ये कहेंगे ना कैप्टन चेंज कर दो, कोच ले आओ, वो ले आओ। अब आप इंडिया की मिसाल देख लें, राहुल द्रविड़ इंडिया में अंडर 19 टीम का कोच था, मैं सुना, फिर उसको बनाया उन्होंने सीनियर टीम का कोच, लोकल स्टाफ है, बैटिंग बिल्डिंग स्ट्रेंथ जितना भी है उनका सारा लोकल स्टाफ था। ये 2020 वर्ल्ड कप का जो उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, तो हम बाहर से बंदे मंगवाते हैं। सर एक बात ये भी कहने, इंडिया अपनी विमेन को किस तरह ट्रीट कर रहा है, क्रिकेट देख लें, ओलंपिक्स में देख लें, आज अगर हम मनु भाकर की बात करें तो भाई मेडल जीत रही है अपने इंडिया की लड़कियां, और हमारी लड़कियां बेचारी सोशल हैरेसमेंट से ही नहीं बाहर आ रही। इंडिया की लड़कियां गोल्ड मेडल जीत रही है, इंडिया की लड़कियां जो है अनबीटेबल क्रिकेट जीत रही है, हर जगह बड़ी फिट है, आज ओलंपिक्स का पहला मेडल जीता,
एयर पिस्टल शूट के अंदर। हमारी लड़कियां बेचारी बुरखे में भी हैं, चादरों में भी हैं, हमारे मुल्क के अंदर डेली रेप केसेस हैं, कभी लाहौर को जो है रेड एरिया करार दे दिया जाता है। हम अभी सोशल हरासमेंट से बाहर नहीं आ रहे और उनकी बच्चियां इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल रही हैं। वो जो मानू बकर है, फर्स्ट वुमेन शूटर है इंडिया से जिसने ये जीता, वुमेन ब्रॉन्ज मेडल जीता है और 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के अंदर, ठीक है जी। कहा जाता है कि वो एक पॉइंट सिर्फ पीछे थी, ठीक है, एक और खिलाड़ी से। अब क्वेश्चन ये है कि इंडियन मैं पाकिस्तानी लड़कियां क्यों शूटिंग में नहीं है। दोस्तों इस वक्त ओलंपिक शुरू है और ओलंपिक्स में भारत ने एक भारत की खातून है लड़की मानू बकर, बकर के नाम से, उन्होंने फर्स्ट मेडल जीता है ओलंपिक्स में, ब्रॉन्ज मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में। मैं तो हैरान हूं कि पाकिस्तान ने सिर्फ 7 बंदे भेजे, जस्ट 7। इंडिया के 117 एथलीट्स हैं, 117 एथलीट्स, 5 रिजर्व्स हैं इंडिया के, पेरिस ओलंपिक्स 2024 की बात कर रहा हूं। अदर देन दैट आपको पता है इंडिया की जो फौज है वो पेरिस ओलंपिक्स की सिक्योरिटी में भी काम कर रही है। दैट इज अ लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस के 7 पाकिस्तानी एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडिया के 117 कर रहे हैं। और क्या हम कुछ जीत सकते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज है कि 250 मिलियन का मुल्क और 7 बंदे, 250 मिलियन और 7 बंदे आप जो है वो पेरिस भेज सकते हैं ओलंपिक। आप सिर्फ क्वालिफाई इतना करते हैं, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज अलग है ना, हमारी प्रायोरिटीज स्पोर्ट्स नहीं, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी यूथ की क्या प्रायोरिटीज हैं, फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। लड़कियां सारी इंस्टाग्राम पे बैठी हैं, लड़के टिकटॉक पे बैठे हैं, लड़के भी टिकटॉक पे बैठे हैं। मैं इसमें अगर इफ आई गो इनटू द माइंड्स ऑफ द पाकिस्तानी यूथ, मुझे ऐसे लग रहा है कि जो पाकिस्तानी यूथ है वो इतनी ज्यादा डेस्परेट है, इतनी ज्यादा परेशान है, इतनी ज्यादा समझ रही है कि चैलेंजेस नहीं है। एक तो सारी बात है वो तालीम का रुझान नहीं है वो वाला। जब आपका तालीम का रुझान होता है तो आप उन चीजों पर जाते हैं। हमारी लिटरेसी रेट जो है वो, हमारी खवातीन कम पढ़ी लिखी है एज कम्पेयर टू द मैन, क्योंकि एक तो हमारा ये होता है कि खवातीन है, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी कहता है जी मजहबी तालीम देनी है, दूसरा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ये कहता है इनको घरों में बिठाना चाहिए, तीसरा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कहता है हमारे पास पैसे ही नहीं है, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी कहता है हाँ हम इनको पढ़ाएंगे, लेकिन वो सारे बाहर चले जाते हैं। अब 250 मिलियन लोग जो हैं, जो जिसे आप कह लें कि हैं इसमें, और 7 बंदे हम भेज सकते हैं। इंडियंस जितनी तादाद में बंदे भेज रहे हैं मैं समझता हूँ, और जिन जिन इवेंट्स में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ने कभी सोचा ही नहीं, इसके ऊपर कभी डिस्कशन ही नहीं, कभी बात ही नहीं हुई, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज नेशनल लेवल पे और हैं। हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं, अलीट, इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, जनरल्स, जजेस, मीडिया हाउसेस, ये हमारी प्रायोरिटी, इनकी बातें होती हैं। कभी आम आदमी की आप बातें देखी कभी, आप कभी बात करें ना स्पोर्ट्स की। भारत ने नीरज चोपड़ा को 10 करोड़ का उसका जो बजट अप्रूव हुआ और उसने जर्मनी में जाके कोविड के पीरियड में प्रैक्टिस की। हमारा अर्शद नदीम इन कंपैरिजन, मैंने उनका 2 दफ़ा इंटरव्यू भी किया, वो गांव भेज दिया गया और गांव में ना को फैसिलिटीज़ और वो जो एक आम बांस या उसके साथ वो ट्राई करते रहे।